I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the speed, velocity and acceleration. So today we are going to discuss about the graphs related to speed, velocity and accelerations for different type of motions. Different motions ke liye hum graph dikhenge. To pehle hamara ek aata hai speed versus मतलब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ. क्या हम डिस्कशंस करेंगे? ग्राफ्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे. जो ग्राफ्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, पहले हमारा एक आता है इफ द बॉडी इज एट रेस्ट. जो बॉडी रेस्ट में होता है, जब बॉडी रेस्ट में होता है तो मेरा डिस्टेंस, टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसे होता है? डिस्टेंस, टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसे होता है? देखो इधर. तो मान के चलो ये मेरा डिस्टेंस, टाइम मेरा एक्स एक्सिस में है और डिस्टेंस मेरा वाई एक्सिस में है. डिस्टेंस मेरा कहाँ पे है? वाई एक्सिस में है. आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत है. बॉडी रेस्ट में है. बॉडी रेस्ट मतलब डिस्टेंस मेरा जीरो है. डिस्टेंस मेरा क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है. तो कुछ भी डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं करेगा. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. ग्राफ कैसे हो सकता है? तो ग्राफ ये मेरा ऐसे हो सकता है, मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जहां पे मेरा स्लोप क्या बनेगा? ना स्लोप मेरा जीरो बनेगा. तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जहां पे स्लोप मेरा क्या बनेगा? जीरो बनेगा. उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी वैसे ही होगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ऐसे ही होगा. आया समझ में कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम. तो ये मेरा आया ग्राफ जिसमें स्लोप मेरा क्या हो जाएगा? स्लोप मेरा जीरो हो जाएगा. स्लोप मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. आ रहा है समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है. अच्छा, अब मेरा जो स्पीड है, मतलब जहां पे स्पीड मेरा इंक्रीज कर रहा है, मान के चलो कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्या हो रहा है यहाँ पे? ना ये क्या था मेरा पहला बिट, सेकेंड बिट में इफ बॉडी इज मूविंग विथ, इफ बॉडी इज मूविंग विथ uniform speed or uniform velocity. If body is moving with uniform speed or uniform velocity में क्या होता है? देखो इधर ये क्या आया मेरा? टाइम आया और इधर मेरा डिस्टेंस distance आ रहा है. दूसरे में हम दिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड में होगा तो ये वाला आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो ये वाला आएगा. तो यहाँ पे टाइम में ले रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूँ. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट में लिया. तो यहाँ का ग्राफ कैसे आएगा? ना यहाँ का ग्राफ कैसे आएगा? ना यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है, जिसका मैं स्लोप मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा. आया समझ में? यहाँ पे भी ऐसे आएगा, यहाँ पे भी ऐसे आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना. ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड में ही आएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना. मान के चलो कि स्पीड मेरा इंक्रीज कर रहा था. ये मेरा यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? कॉन्स्टेंट स्पीड था. स्पीड इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ? कि स्पीड इंक्रीजेस एंड वेलोसिटी, मतलब एक देखते हैं स्पीड इंक्रीजेस के पहले करते हैं. स्पीड इंक्रीजेस जब स्पीड मेरा इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड जब मेरा इंक्रीज होगा तो देखो इधर इधर टाइम है. अरे हाँ या ना. इधर डिस्टेंस है. आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है. जब स्पीड इंक्रीज होगा ना, तो ये वाला ग्राफ कैसे आएगा? ना ये इंक्रीज होते 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 ऐसे चलेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एक कर्व लाइन होगा, मतलब स्पीड यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. यहाँ से ऐसे ऐसे इंक्रीज होते होते चलेगा. आया समझ में? अब उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्पीड मेरा डिक्रीज कर रहा है. यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये 1, 2, 3 नंबर का ग्राफ गया. अब 4 नंबर का ग्राफ करते हैं.
स्पीड डिक्रीज हो रहा है, मान के चलो कि स्पीड मेरा डिक्रीज हो रहा था, स्पीड मेरा डिक्रीज होगा, आया समझ में? ये नहीं, स्पीड मेरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड जब डिक्रीज होगा तो ग्राफ कैसे आएगा? देखो इधर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, टाइम इंक्रीज होने से स्पीड मेरा डिक्रीज होता है, तो क्या ग्राफ मेरा ऐसे आएगा? मतलब इतना भी नहीं, वाह ये ऐसे होगा। देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज मतलब वैल्यूज डिक्रीज होते होते चल रहा है, वैल्यूज डिक्रीज होते होते चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना। इधर मेरा आएगा डिस्टेंस, इधर आएगा स्पीड, इधर आएगा सॉरी इधर आएगा टाइम, डिस्टेंस इधर आएगा टाइम, ऐसा समझने की नहीं ना कोई दिक्कत हो रहा है। वाह अब दिखेंगे नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट क्या दिखेंगे? ये मेरा नेक्स्ट ग्राफ आ रहा है जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही स्पीड एक सिंगल डायरेक्शन के लिए मोशन के लिए वेलोसिटी जो होता है स्पीड भी वही होता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज और वेलोसिटी डिक्रीज दोनों का ग्राफ करेंगे हम, वेलोसिटी डिक्रीज ये दोनों का ग्राफ हम करेंगे। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। ओके ये मेरा टाइम है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, वाह ये मेरा टाइम है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली यहां पे भी मैं कर रहा हूं, ये मेरा टाइम है, यहां मेरा डिस्प्लेसमेंट है, वाह ऐसा समझ में कि नहीं? ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में जैसे इंक्रीज होता है स्पीड, ऐसे ही ग्राफ या ऐसे ही आएगा, मतलब टाइम इंक्रीज होने के साथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेरा इंक्रीज होते होते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज के लिए डिस्प्लेसमेंट मेरा कम होते होते चलेगा, मतलब एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आता है। आया समझ में कि नहीं? देखो टाइम इंक्रीज होता है मगर जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यूज है वो डिक्रीज करता रहता नजर आएगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, ये ऐसे 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 घूम के ऐसे आ जाएगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना, इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सीलरेटेड मोशन। इसको हम बोलते हैं डिसीलरेटेड मोशन, इसको हम बोलते हैं डिसीलरेटेड मोशन, जहां पे ये स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज होता है, और इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। ऐसा समझ में कि नहीं? इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, जहां पे वेलोसिटी मेरा इंक्रीज होता है। ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज कर लो, नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट दिखेंगे, नेक्स्ट दिखेंगे कि हम बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो भी हो सकता है। तो एक केस ऐसे से आया, एक केस ऐसे आया कि द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस एंड जीरो आफ्टर सर्टन टाइम, एंड जीरो आफ्टर सर्टन टाइम, आफ्टर सर्टन टाइम, समझ में आफ्टर सर्टन टाइम। तो यहां पे क्या होता है, ये वाला होता है, देखो इधर टाइम मेरा है और इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है का मतलब क्या है? देखो डिक्रीज कर रहा है का मतलब क्या है भाई ना, ये यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे आके जीरो हो जाएगा, ये ऐसे लिनियरली डिक्रीज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। आया समझ में? इसको हम ये भी बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट डिक्रीज इन वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट डिक्रीज इन वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट डिक्रीज इन वेलोसिटी। कुछ वैल्यूज पहले था यहाँ पे, कुछ वैल्यूज पहले था यहाँ पे, कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया था, फिर से आके 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 यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली या कॉन्स्टेंटली, यूनिफॉर्मली या कॉन्स्टेंटली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चल रहा है बट डिक्रीज होते होते जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्मली जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब डिक्रीज मेरा जा रहा है। आया समझ में? अरे हाँ या ना। अच्छा अब कहीं पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब क्या है? डिरेक्शन मेरा रिवर्स हुए,
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शंस मेरा रिवर्स हुआ है, तो डायरेक्शंस मेरा रिवर्स हुआ है मतलब या एक ऐसे आएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाओ, आया समझ में, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाओ, तो ग्राफ में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लिखो मान के चलो इसके पास कुछ ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये वाला टाइम एक्सिस है, ये वाला टाइम एक्सिस है, हुआ? अच्छा ध्यान से देखना क्या मैं कर रहा हूं, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा ना, यहां से ये वाला डिक्रीज करते 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 आफ्टर सर्टेन टाइम ये जीरो हो जाएगा, आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये वाला नेगेटिव एक्सिस में चलेगा, उसके बाद ये वाला क्या करेगा ना, नेगेटिव एक्सिस में चलेगा, आया समझ में कि नहीं, ये वाला नेगेटिव एक्सिस में चलेगा, आया समझे, नेगेटिव एक्सिस में चलेगा मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, मतलब बॉडी ऐसे जा रहा था यहां तक, यहां से 5 मीटर ए से बी 5 मीटर कवर अप किया था, फिर बी से जो पाथ में गया गया रिटर्न करके वो 8 मीटर आ गया, वो 8 मीटर आ गया, आया समझ में, तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हुआ, यहां से डायरेक्शन रिवर्स हुआ और वैल्यू भी इंक्रीज होने लगेगा, वैल्यू भी इंक्रीज होने लगेगा, मतलब जीरो यहां तक आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलेगा, आया समझ में, नेगेटिव एक्सिस में वैल्यू भी इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, यहां तक हो गया, अरे हाँ यहाँ ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है, ओके ठीक है, चलो स्क्रीन को पॉज करके ये कर लो, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ इतना ही था, और कुछ लास्ट को दिखेंगे कि कहीं पे ग्राफ नहीं बन सकता, कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं, कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, उसका ग्राफ ऐसे होगा, वाह दिखेंगे, चलो अभी इसको साफ कर लो, लिख लो, मैं इसको साफ कर देता हूँ, हम डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, ताकि ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिफरेंट डिफरेंट मोशंस के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, मान के चलो कि बॉडी बॉडी मेरा रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका ग्राफ जो आएगा यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में है, ये मेरा वी है, ये मेरा टाइम है, बॉडी रेस्ट में मतलब बॉडी यहीं पे है, यही मेरा हो जाएगा ग्राफ, आया समझ में नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड सबके बारे में टाइम आगे बढ़ता चले जाएगा, मगर ये वेलोसिटी का ग्राफ यहीं पे यहीं रह जाएगा, वाह आया समझ में कि नहीं, यही होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी आर रेस्ट, अच्छा सेकंड पार्ट में लिखते हैं, बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, आया समझ में कि नहीं, बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में क्या आएगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में क्या आएगा, वेलोसिटी टाइम यही वाला आएगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज में क्या आएगा, देखो कि हमारा जो ग्राफ आएगा, हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा, कॉन्स्टेंट मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है भाई, वेलोसिटी मेरा उतना ही वैल्यू है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ था, जब उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ था, क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे हुआ था, ध्यान से देखना, मान के चलो कि 1 सेकंड में ये 10 मीटर जा रहा था, 2 सेकंड में इसने 20 मीटर ट्रेवल किया, 3 सेकंड में इसने 30 मीटर ट्रेवल किया था, भाई सब में दिखो भाई स्लोप मेरा क्या आ रहा है, स्लोप मेरा 10 आ रहा है, स्लोप मेरा क्या आ रहा है, स्लोप मुझे जो 10 आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू द वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी सब में क्या आ रहा है, 10 10 10 आ रहा है, तो 10 यहां पे 10 एक सेकंड के लिए, 10 दो सेकंड के लिए, 3 3 सेकंड के लिए, चलता हुआ चलेगा, तो दिस रिप्रेजेंट्स द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं कि बॉडी इज मूविंग विथ एक्सीलरेटेड मोशन, बॉडी इज मूविंग विथ एक्सीलरेटेड मोशन, आया समझ में,
बॉडी क्या कर रहा है, एक्सीलरेट मोशन हो रहा है, और इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी है, ये जो एक्सीलरेटेड मोशन है वो वाला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये वाला क्या है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब क्या है, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट वैल्यू से मतलब क्या है, देखो इधर ये मेरा वेलोसिटी है, ये मेरा टाइम है, ये मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ मेरा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। एज मच वेलोसिटी टाइम, देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, हाँ कि नहीं, ये था मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वाह, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब यहाँ पे 10 इंक्रीज हुआ एक सेकंड में, दो सेकंड में वेलोसिटी मेरा 20 आ जाएगा, तीन सेकंड के बाद 30 आ जाएगा, चार सेकंड में 40 आ जाएगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने किए थे एक्सीलरेटेड मोशन का, क्या हमने ऐसे किए थे, क्या हमने ऐसे किए थे, अरे हाँ या ना, क्या हमने ऐसे किया था। और यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, इनिशियली बॉडीज एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट में था, इनिशियली बॉडीज कहाँ था, रेस्ट में था, इनिशियली इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मेरा कहाँ था, रेस्ट में था। ऐसा समझ में, बॉडी कहाँ था मेरा, रेस्ट में था, वहां इनिशियली बॉडी मेरा कहाँ था, रेस्ट में था, वहां। अच्छा, अब उसके बाद इसने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऐसे लिख लेता हूं, ये इसने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, आया समझ में। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट सोचते हैं कि बॉडी मेरा इसी कंडीशन से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, ये था एक कंडीशन इसका। दूसरा कंडीशन है इनिशियली बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी था, बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी पहले से ही था, मतलब कुछ वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया है वेलोसिटी, ये वाला टाइम। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे आएगा, मतलब जीरो सेकंड में, जीरो सेकंड में इसके पास कुछ वेलोसिटी होता है, जीरो सेकंड में उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, तो इसका वेलोसिटी ऐसे आएगा, ये जीरो में आया, ये वन में आया, ये टू में आया, ये थ्री में आया, ये फोर में आया। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, अरे हाँ या ना। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमने यहाँ पे लिखा लास्ट वाला कि बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था और बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करते करते चला था, अब उसी के तरह दिखेंगे, इनिशियली बॉडी हैज सर्टन वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम its velocity decreases uniformly, after some time its velocity decreases uniformly and zero after some time। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं, इसके पास initially कुछ velocities थे, अब ये क्या किया इसने, ये टाइम था, ये मेरा वेलोसिटी था, अब ये क्या हुआ ना, इनिशियली जो वेलोसिटी इसके पास था उसके बाद इसने डिक्रीज करना शुरू किया और यूनिफॉर्मली डिक्रीज किया, प्रेजेंट वेलोसिटी डिक्रीजेस यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंटली डिक्रीज किया, मतलब 10 डिक्रीज, फिर से 10, ऐसे ऐसे आके 0 हो गया, इसे ऐसे आके यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। आया समझ में, ना इसमें कोई दिक्कत है, वह ये होता है कहानी यहां पे जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होता है। अब मेरा हम एक करेंगे इंक्रीज एक्सीलरेशन के लिए, इंक्रीज एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे जहां पे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन होगा, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का मतलब है जहां पे वेलोसिटी चेंज होता है, मतलब यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होते बट इंक्रीज होते होते, कहीं पे 10 इंक्रीज हुआ, कहीं पे 15 इंक्रीज हुआ, कहीं पे 20 इंक्रीज हुआ, जिसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज का मतलब सेम इंक्रीज नहीं होता। वाह, यहाँ पे कैसे होगा ना, ये मेरा वेलोसिटी है, ये मेरा टाइम है, तो यहाँ पे जब इंक्रीज होगा, यहाँ पे जब इंक्रीज होगा, क्या ये ऐसे इंक्रीज होगा, देखो टाइम
इंक्रीज होता हूँ, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी ठीक से इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता है। आया समझ में कि नहीं? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। जब डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज डिक्रीज करते हुए नजर आएगा, वैल्यूज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते हुए नजर आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, ना कोई दिक्कत हो रहा है, ना कोई दिक्कत हो रहा है, ये ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे और छोटे छोटे चीज के बारे में करते हैं। हमने इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन से ग्राफ देखे, अब दिखेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन, अब दिखेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, ऐसे समझ में? अच्छा देखो, वेरिएबल एक्सीलरेशन का टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि यहाँ पे वैल्यू एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो टाइम के हिसाब से ये वाला टाइम एक्सिस और ये वाला मेरा वेलोसिटी एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम मेरा जितना आगे बढ़ता है कभी पॉजिटिव में वैल्यू, कभी नेगेटिव में वैल्यू, कभी इंक्रीज होता है, तो ये मेरा ग्राफ ऐसे आएगा, ये मेरा ग्राफ ऐसे आएगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, ये मेरा टाइम एक्सिस, तो ग्राफ मेरा ऐसे आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, देखो इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी मेरा कभी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या फिर नेगेटिव आ गया, तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब करेंगे, अब करेंगे कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपर, मतलब बॉडी मैंने ऊपर को फेंक लिया, बॉडी इज मूविंग अपर। ध्यान से देखो, ये वाला एक ग्राफ था, और दूसरा बॉडी इज मूविंग या बॉडी इज प्रोजेक्टेड, बॉडी इज प्रोजेक्टेड ऐसे लिख लो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ सर्टन वेलोसिटी, विथ सर्टन वेलोसिटी, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड में लिख लेता हूं, वर्टिकली अपवर्ड। आया समझ में कि नहीं? देखो इधर ध्यान से लिखना, अरे ये वाला यहाँ पे है, वाह ग्राफ नहीं यहाँ पे होगा। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है, मैंने मार्कर रखा, मैंने मार्कर को ऐसे ऊपर फेंका, मैंने मार्कर को ऐसे ऊपर फेंका, मतलब ये जो फेंका मैं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सर्टन पॉइंट से ये रिटर्न कर रहे हैं, सर्टन पॉइंट से रिटर्न करेगा का मतलब क्या है भाई, उसका हाइएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाएगा, हाइएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कुछ टाइम के बाद हाइएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी इसका जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ, मान लो कि इसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड में ऊपर में प्रोजेक्ट किया, तो ये से आगे आगे चलेगा, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा। आया समझ में? फिर ये तो क्या आया, जब जीरो आएगा, जब हाईएस्ट पॉइंट में जीरो आएगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है, पहले ये ऊपर गया था, अब ये डाउन आ रहा है, मगर इंक्रीज कर रहा है भाई, जीरो के बाद तो इंक्रीज करेगा ना, 1, 2, 3, 4 क्यों आ रहा है भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो हुआ, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, जिसमें वेलोसिटी इसका इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। तो ये क्या हुआ, इसे ग्राफ आएगा, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है। तो इसके पास कुछ वेलोसिटी इधर है, अब ये डिक्रीज करता करता हुआ कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगा, ये मेरा वेलोसिटी एक्सिस है, ये मेरा टाइम एक्सिस है। आया समझ में? अरे हाँ या ना, ना समझ में नहीं आ रहा है, ये हुआ वेलोसिटी टाइम का। इसी मोशन का मतलब ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में क्यों आता है भाई, डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, डायरेक्शन रिवर्स हुआ है और वैल्यू मेरा इंक्रीज होते हो जाएगा। अच्छा, उसी मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ करते हैं, उसी मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ करते हैं। ये मेरा स्पीड है, ध्यान से सुनना, ये मेरा टाइम है। स्पीड भी क्या होगा, जब ऊपर चलेगा वो भी डिक्रीज करते करते 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो जाए, जीरो के बाद क्या होगा, फिर से ये इंक्रीज होगा, मगर स्पीड है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस तो जब डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो वेलोसिटी को हमने नेगेटिव लेंगे, मगर स्पीड को नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैसे आएगा ना, ये ऐसे आया, फिर से ये ऐसे चले जाएगा,
फिर से ये ऐसे चले जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, ना इसमें कोई दिक्कत, ये वाला ग्राफ ऐसे ही होगा। आया समझ में? ना कोई दिक्कत हो रहा है। चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो। और एक चीज दिखते हैं, और एक चीज दिखते हैं कि हमने क्या किया, एक बॉडी को कुछ हाइट्स के ऊपर से एक सीमेंट फ्लोर के पास गिराया, मतलब फ्लोर को ड्रॉप किया। तो जब कोई बॉल को जब ड्रॉप करेंगे तो वो क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। जब कोई बॉल को ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टन हाइट। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टन हाइट एंड It bounces. And it bounces. पहले हम इसका स्पीड और टाइम की ग्राफ डिस्कशन करते हैं, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो इधर, ये मेरा टाइम हुआ, ये मेरा स्पीड हुआ। ध्यान से देखना इस ग्राफ को, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि जब मैंने इसको नीचे गिराया तो ये जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ। जीरो वेलोसिटी के तो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका स्पीड इंक्रीज होगा। इसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका स्पीड इंक्रीज होते होते जाया, यहाँ पे टकराया, कहाँ पे, फ्लोर में टकराया। फ्लोर में जब टकराएगा वो ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा उसी पोजिशन से, क्या होगा, उसका वैल्यूज जो होगा डिक्रीज करते चलेगा, क्योंकि अपवर्ड मोशन में मेरा स्पीड डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होते 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 ये जीरो पर आ गया। कहां पे जीरो आएगा, जब मैंने एक बॉल को ऐसे टकराया, वो नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट में नीचे गिर गया, एक हाईएस्ट पॉइंट में। उसी हाईएस्ट पॉइंट से वो क्या करेगा, फिर से नीचे गिरेगा। यहाँ पे एक बाउंस हो गया, वो फिर दूसरा बाउंस भी तो करेगा ना। तो दूसरा बाउंस जब करेगा वो क्या होगा, उसका जो स्पीड होगा वो थोड़ा सा तो डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि वो तो ऑपोजिशन पाया फ्लोर से, जो ऑपोजिशन पाया उसके उसके तरह उसका वेलोसिटी से स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा थोड़ा सा। क्या मैं ग्राफ को ऐसे कर सकता हूँ, अरे हाँ या ना, ना समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक, एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके कर देता हूँ। तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा ना, ग्राफ मेरा ये टाइम है, अब यहाँ पे मेरा ये स्पीड है, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो ये क्या है, ये इस तरह का है, गलत कर लिया, थोड़ा एक मिनट दो। पहले हमें कहां से ले रहे थे, हम जीरो से ले रहे थे, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला ना, ये यहां से जाएगा, डिक्रीज हुआ, फिर ये यहां से जाएगा, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको वो रिच नहीं करेगा। हुआ, अब ये वाला, आया समझ में, ऐसे वैसे होते होते आखिरकार में ये नीचे गिर जाएगा। हुआ, आया समझ में, वैसे चलता चलेगा। हुआ, ओके ठीक है। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं, ये वाला मेरा टाइम एक्सिस है, आया समझ में कि नहीं, ये वाला मेरा वेलोसिटी एक्सिस है। जब ये वाला मेरा टाइम एक्सिस और ये वाला मेरा वेलोसिटी एक्सिस होता है, ध्यान से सुनना कि तो यहां से मैंने वही किया कि मैंने यहां से जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से स्टार्ट करूंगा तो नीचे जब आएगा तो उसका वेलोसिटी हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट वैल्यूज में होगा। तो वो वहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा, क्या यहाँ पे मैं एक इस तरह ग्राफ बनूंगा, मतलब देखो मान के चलो कि यहाँ पे इसका कुछ हाईएस्ट वैल्यूज था 10 मीटर पर सेकंड में, कुछ हाईएस्ट वैल्यूज में था। जब वो वहां से ऊपर उठेगा तो वैल्यूज तो 10 होगा ना, मैग्नीट्यूड तो 10 होगा, और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा मतलब जब वो डाउन आ रहा था पहले और वो ऊपर जाने लगेगा तो उसका -10 हो जाएगा। तो माइनस मतलब कहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। मान के चलो कि यहां से शुरू करते हैं, ये वाला मेरा -10 है। आया समझ में कि नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ, आ रहा है समझ में,
तो जब यहां से शुरू किया मैंने, जब यहां से शुरू किया तो क्या ये 10 से ऊपर की तरफ चलेगा, तो डिक्रीज होना लगेगा, -10, -9, -8 ऐसे चलेगा, मैग्नीट्यूड 10, 9, 8 हो जाएगा, डायरेक्शंस रिवर्स हो रहा है, तो क्या ये कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगा, क्या ये कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में, तो ये जैसे होगा ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब ये कहां पे है, ऊपर की तरफ है जीरो में, अब जीरो से ये क्या करेगा, जीरो से ऊपर की तरफ, जीरो से क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, फिर से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन रिवर्स, ये नेगेटिव में वैल्यू चल रहा था, अब पॉजिटिव में चलना शुरू करेगा, अब पॉजिटिव में जीरो से ये 1, 2, 3, 4 इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, तो क्या उसका ग्राफ, अच्छा 10 तक तो नहीं पहुंचेगा, अभी तो कुछ वेलोसिटी डिक्रीज कर गया होगा, मान के चलो कि यहां पे हुआ, ये यहां पे हो गया, आया समझ में कि नहीं, अब यहां से कैसे होगा, अब यहां से कैसे होगा, अब ये यहां से ऐसे फिर से डिक्रीज करना, डायरेक्शन चेंज करता हुआ नजर आएगा, डायरेक्शन जब चेंज करेगा तो क्या ये ऐसे होगा, क्या ये ऐसे होगा, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऐसे ऐसे ग्राफ चलता हुआ नजर आएगा, ये ऐसे ग्राफ चलता हुआ नजर आएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ये एक रिफ्लेक्शन का टाइप का ग्राफ है, यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी, और फिर ऐसे चलेगा, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना, तो ये क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे बॉडी ऊपर में था, मैंने ड्रॉप किया तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होते चलेगा, अब यहाँ पे जो आएगा ये हाईएस्ट पॉइंट, जब बाउंड फ्लोर पे टकराएगा, फ्लोर में जब स्ट्राइक करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट होगा, अब वहां से वो डायरेक्शन रिवर्स लेना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव में मैंने वैल्यूज लिख लिया, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिख लेता हूँ, ये मेरा प्लस भी है, ये मेरा माइनस भी है, ये मेरा प्लस भी है, ये मेरा माइनस भी है, तो यहाँ से ये ऊपर चल जाएगा, तो डायरेक्शन रिवर्स होने चलेगा, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ यार ना, फिर ये कहाँ गया, हाईएस्ट पॉइंट में आ गया तो जीरो हो गया, फिर से ये नीचे की तरफ गिरेगा तो पॉजिटिव आएगा, डायरेक्शन रिवर्स होगा तो पॉजिटिव में चलेगा, ये ऐसे ऐसे चलता चलेगा जब तक जीरो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, वह जब तक ये फ्लोर में टकरा के रह जाएगा, वह चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, अब कुछ दिखेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, चलो अब दिखेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, क्या दिखेंगे ना, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है ना, पहले हम दो चीज दिखेंगे, पहले हम दिखेंगे कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में, एक दिखेंगे कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, आया समझ में, अरे हाँ या ना, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन मेरा कॉन्स्टेंट होगा, वाह, उसके बाद दिखेंगे यूनिफॉर्म इंक्रीज एक्सीलरेशन, उसके बाद दिखेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन, आया समझ में कि नहीं, उसके बाद दिखेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन, वाह देखो कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन मीन्स भाई वैल्यूज क्या होगा ना, जितना टाइम इंक्रीज होते होते चलेगा भाई वो हमेशा इतना ही आएगा, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन का हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा, ऐसे समझ में, जब एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट आता है तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे होगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हम कैसे किए थे, क्या मेरा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे हुआ था, अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, समझ में याद आ रहा है ना, अभी हमने किया था, ये आया था एक्सीलरेशन टाइम का कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देखो इधर वेलोसिटी टाइम मतलब इंक्रीज होते होते चलेगा, क्या होगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड, 2 सेकंड में, 30 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड में, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही आएगा, वेलोसिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है, वहां कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये हुआ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन की ग्राफ, अच्छा यूनिफॉर्म इंक्रीज एक्सीलरेशन का मतलब क्या है भाई, ये टाइम है, ये मेरा एक्सीलरेशन है, मतलब 2 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड चेंज किया है, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो एक्सीलरेशन आ रहा होगा वो इक्वल एक्सीलरेशन आ रहा होगा, इंक्रीज ये वाला मतलब 2 सेकंड के बाद
टेन पे पर सेकंड, तीन सेकंड के बाद सॉरी वे वन सेकंड में मान के चलो टेन पे पर सेकंड स्क्वायर, दो सेकंड के बाद ट्वेंटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वली ये चेंज होता हुआ चलेगा, इक्वली चेंज होता हुआ चलेगा। अब वेरिएबल एक्सीलरेशन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे वेरिएबल एक्सीलरेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, जो चेंज आ रहा होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो ऐसे आ रहा होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसे ही आएगा। आया समझ में कि नहीं आ रहे? हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। चलो कर लो स्क्रीन को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। देखो इधर क्या हम डिस्कशन करेंगे, नॉट पॉसिबल ग्राफ्स, नॉट पॉसिबल ग्राफ्स। नॉट पॉसिबल ग्राफ में पहले एक आता है, पहले एक आएगा कि पहले जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या आएगा, देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। यहां पे एक आएगा कि अगर ग्राफ मेरा ऐसे बना, मतलब टाइम इधर है, इधर मेरा डिस्टेंस है, और जो ग्राफ बनेगा, और जो ग्राफ बनेगा दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, ये कभी ग्राफ हो ही नहीं सकता, ये कभी ग्राफ हो ही नहीं सकता। वह ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ आया उसमें क्या होता है, क्या आया ना, स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट स्पीड, मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट स्पीड कभी हो ही नहीं सकता। देखो एक ही टाइम इंटरवल में, एक ही टाइम इंटरवल में बॉडी क्या हो रही है, डिफरेंट पोजीशंस को जा रही है। भाई पांच सेकंड में मैंने उसको 10 मीटर कवर करते हुए देखा, उसी पांच सेकंड में वो 20 मीटर कवर करते जा रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। देखो इधर यहाँ पे एक धर्म मान लो कि यहाँ पे कोई पांच सेकंड है, तो ये ग्राफ क्या आएगा 10 मीटर, ये ग्राफ क्या आएगा 20 मीटर, ऐसे कुछ कभी भी हो ही नहीं सकता। वह तो डिस्टेंस से टाइम ग्राफ में ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, मतलब कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। और एक ग्राफ क्या आता है, और एक ग्राफ क्या आता है कि टू पोजिशन ऑफ ए बॉडी एट सेम टाइम एक ही टाइम में बॉडी के पास दो पोजीशंस होता है, एक ही टाइम पे बॉडी के पास दो पोजीशंस होते हैं, ये मेरा टाइम है, वाह ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस है, एक ही टाइम पे बॉडी के पास दो पोजीशंस, तो कैसे आएगा भाई ये आएगा। अच्छा मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या एक ही टाइम को आ रहा है, ये भी कभी ग्राफ नहीं हो सकता, ये भी कभी ग्राफ नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में, बॉडी पांच सेकंड में कभी दो पोजीशंस पे नहीं हो, तो ये कभी भी ग्राफ नहीं बन सकता। अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई आ रहा है। और वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टाइम। नेक्स्ट वाला जो आएगा वैल्यू ऑफ डिस्टेंस cannot decrease with increase of time. Value of distance cannot decrease with increase of time. ये हुआ time, ये हुआ distance. ये डिक्रीज कभी नहीं हो सकता, ये ऐसा ग्राफ कभी नहीं बन सकता। टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ कोई डिस्टेंस मेरा डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट मेरा डिक्रीज हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना। चलो ये तीनों ग्राफ जो है वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकते। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे दो तीन और चीज लिखते हैं। अब दिखेंगे स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ, slope of position versus time graph, position मतलब distance या displacement, उसका जो slope आएगा
मान लीजिए भाई ये मेरा टाइम है और ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा क्या है पोजीशन से ग्राफ मेरा कुछ ऐसे हुआ है, मान लो ऐसे हुआ है, वह इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आएगा क्या वो इसी तरह का आएगा, देखो इधर, अरे ये मेरा स्लोप आएगा, अरे हाँ या ना, अरे हाँ ये वाला पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी, ये मेरा थीटा मान के चलो, तो इसका जो स्लोप आएगा मान के चलो स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है वो वाला टेन थीटा, तो क्या आएगा ना ए बी बाई ओ बी, टेन थीटा क्या आएगा ए बी बाई ओ बी, ए बी मेरा क्या है एक पोजीशन से, ओ बी मेरा क्या है एक टाइम है, तो ये पोजीशंस बाय टाइम को हम आइदर लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, हम आइदर क्या लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा स्पीड, ये होगा मेरा वेलोसिटी, ये मेरा क्या होगा वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम इसको हम स्पीड बोलेंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम वेलोसिटी बोलेंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है समझ में, तो इसका मतलब अगर एक डिस्टेंस टाइम में ग्राफ बनाता है उसका स्लोप दिखेंगे तो वाला स्पीड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा तो उसका स्लोप को हम वेलोसिटी दिखेंगे, अच्छा ठीक, अब एक दिखेंगे उसी एरिया अंडर पोजिशन और टाइम ग्राफ, एरिया सॉरी एरिया नहीं स्लोप, स्लोप में दिखेंगे पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ हम क्या दिखेंगे ना स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होता है देखो, ये मेरा टाइम हुआ और ये मेरा वेलोसिटी हुआ, इसी तरह का आएगा, इसी तरह का ग्राफ आएगा, और इसका स्लोप कैसे आएगा, इसका स्लोप क्या ऐसे में लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना, ओ ए बी, ये मेरा थीटा, ये मेरा थीटा, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या लिखूंगा मैं, टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ओ बी, तो ए बी मेरा क्या है वेलोसिटी बाई टाइम, वो क्या देगा मुझे वेलोसिटी बाई टाइम, मुझे क्या देगा एक्सीलरेशन, क्या देगा मुझे ना एक्सीलरेशन, आया समझ में लिए, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे क्या देगा ना एक एक्सीलरेशन देगा, आया समझ में, ना कोई दिक्कत हो रहा है, ये वाला आएगा एक्सीलरेशन, ओके ठीक है, अब इसी ग्राफ का एरिया निकालते हैं, इसी ग्राफ का एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो इधर क्या मैं लिख रहा हूं, एरिया अंडर वी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो क्या ये हम क्या लिखेंगे ना, क्या यही वाला एरिया होगा, क्या यही वाला एरिया होगा, अरे हाँ या ना, तो क्या लिखेंगे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ओ, हाफ ए बी इंटू ओ बी, हाफ ए बी इंटू ओ बी, क्या मेरा ए बी एक वेलोसिटी है और ओ बी मेरा एक टाइम है, तो हाफ को छोड़ दो, वेलोसिटी टू टाइम कौन सा वाला क्वांटिटी देगा ना मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, कौन सा वाला क्वांटिटी देगा मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, आया समझ में कि नहीं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट आइदर स्पीड और वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज गिवन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लास्ट वाला चीज लिखेंगे, इसको स्क्रीन को पॉज करके कर लो, लास्ट वाला चीज लिखते हैं, लास्ट वाला क्या आता है ना एरिया अंडर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है समझ रहे कि नहीं, देखो इधर ये मेरा क्या आया, कोई मान के चलो कि कोई मेरा ऐसा ग्राफ आया है एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में, तो इसका जो एरिया मैं निकालूंगा इसी ग्राफ के अंडर, जब इसी
लाइन के अंदर क्या क्या है उसी का निकालूंगा। तो मान के चलो कि मैंने इसको ऐसे रख लिया, ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। तो इसका जो ग्राफ आएगा क्या आएगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी में आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाफ ओ ए इंटू ए बी, हाफ ओ ए मेरा क्या है एक्सीलरेशन, सॉरी ओ ए मेरा टाइम है, ए बी मेरा क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंटू टाइम क्या मुझे वेलोसिटी देगा, क्या मुझे वेलोसिटीज देगा, आया समझ में नहीं? अरे हाँ है ना, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। आज के क्लास के लिए यहाँ तक था, आज के क्लास में अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी ग्राफ का कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल और इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।